दोस्तों अगर सब कुछ हम कंप्यूटर से करते हैं तो एनवेलप पे एड्रेस हम हाथ से क्यों टाइप करें? भले ही आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप और कोरल जैसा सॉफ्टवेयर ना आता हो तो भी आप एक सिंपल एमएस वर्ड जैसे आसान सॉफ्टवेयर की मदद से भी अपने एनवेलप्स को बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको एनवेलप्स फोटोशॉप की मदद से प्रिंट करना बताया है। उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक साधारण एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से एनवेलप प्रिंट करना बताइए। तो आज ये वीडियो इसी बारे में है। अगर आपको एमएस वर्ड भी ज्यादा नहीं आता तो भी 3 से 4 स्टेप है, इनकी मदद से आप बड़ी आसानी से किसी भी साइज के एनवेलप को अपने प्रिंटर और अपने कंप्यूटर की मदद से प्रिंट कर पाएंगे और वो भी एमएस वर्ड से। तो दोस्तों वीडियो का कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, 3 से 4 मिनट में आप ये पूरा प्रोसेस सीख जाएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों मोस्ट कॉमन जो एनवेलप होते हैं आज वो दोनों ही मेरे पास हैं, एक छोटा है और एक ये बड़ा वाला है। इनके साइजेस की अगर बात करें तो एक है 9x4 इंचेस का और दूसरा वाला है 4.5x11 इंचेस का। तो आप इन दोनों ही एनवेलप्स को अपने एमएस वर्ड की मदद से प्रिंट कर पाएंगे। आप किसी भी साइज का एनवेलप इस प्रोसेस से प्रिंट कर पाएंगे, बस वो साइज का पेपर आपका प्रिंटर सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए एमएस वर्ड पर चलते हैं और पहले आपको एड्रेस वगैरह मैनेज करना पेज पे वो सिखाते हैं और फिर आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे हम इसे प्रिंट कर पाएंगे। बस जो भी एमएस वर्ड हो उसको खोल लीजिए और उसमें आप फाइल में जाकर के न्यू पर जाइए और यहां आपको एक ब्लैंक पेज ले लेना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, फाइल में फिर से जाना है और यहां जाकर के आपको पेज सेटअप को सेलेक्ट करना है। तो पहले हम लोग प्रिंट करने वाले हैं जो हमारे पास छोटा वाला एनवेलप है, ये वाला। इसका साइज है 4 इंचेस बाई 9 इंचेस और इसमें हम प्रिंटिंग करेंगे इस तरह से, मतलब वर्टिकल नहीं, लैंडस्केप में ऐसे प्रिंटिंग होती है, ऐसे ही प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने पेज को साइज कर देना है। तो यहां जहां लेटर लिखा हुआ है ना पेपर पे, इस पर आपको आना है और आपको ये साइज, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइज है, यहाँ पर एनवेलप का साइज ये वाला मिल जाएगा आपको। ये एनवेलप डीएल वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए 4.33x8.66 है और इसके ऊपर वाला जो है ये है 4.13x9.5, तो लगभग यही साइज है। तो अगर आपको एग्जैक्टली यही रखना है तो आप बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 4 इंच कर दीजिए इसको डिलीट करके और यहाँ पर कर दीजिए इसके नीचे 9 इंचेस। तो आप इसे कस्टम सेट कर सकते हैं, बस आपको इतना करने के बाद ओके कर देना है और अपने पेज को फाइल में फिर से जाकर के पेज सेटअप में जाकर के और मार्जिन में जाकर के लैंडस्केप कर लेना है, क्योंकि हमें टाइपिंग ऐसे ही करनी है। और बस यहां पर आप वो एड्रेस टाइप कर दीजिए जहां पर भी आपको इसको सेंड करना है। तो मैंने इसको टाइप कर दिया कोई भी एड्रेस, तो यहां पर हमने एड्रेस डाल दिया। इसके बाद हमको एंटर करना है और फिर हमको ध्यान से देखिएगा, थोड़ी दूरी पर फ्रॉम जहां से ये भेजा जा रहा है उसका एड्रेस डालना है। तो हम यहां पर देखिए, आप यहां पर 4 इंच पे देख रहे हैं ना इस जगह पे, तो हम यहां लगभग आईडिया से एक क्लिक कर देंगे जिससे कि यहां पर एक टैब का लॉक लग जाएगा। फिर हमको टैब बटन दबाना है, सीधे यहां जाना है और यहां डाल देना है फ्रॉम और फिर से एंटर करना है और थोड़ा सा आगे फिर से लॉक लगा के टैब दबाना है 2 बार और यहां लिख देना है फ्रॉम पंकज त्रिपाठी। अगले पेज में आ गया, टेंशन मत लीजिए, अभी हम इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। अब इसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको बस करना क्या है कि जो फाइल है वहां पर जाइए, पेज सेटअप में जाइए और मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसको कर देते हैं 0.7 और बॉटम को कर देते हैं 0.7। तो अब ये हमारा मार्जिन सेट हो गया और हमारा जो एड्रेस था वो आराम से सेट हो गया। आप इसको बोल्ड कर दीजिए ताकि आराम से अच्छे कलर में प्रिंट होकर के आए और इसे ओके कर दीजिए। अभी तो ये वाला हमारा सेट हो गया, अब हमको दूसरा वाला एनवेलप भी बना लेना है और उसके बाद फिर हम लोग दोनों को प्रिंट करके देखेंगे। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं AN1 नाम से और इसके बाद इसी में हम लोग सेटिंग करते हैं। बस हमको करना यह है कि फाइल में जाना है, पेज सेटअप में जाना है और जो बड़ा वाला एनवेलप है ना पेपर में जाके उसका साइज दे देना है। तो आपको पता ही है उसका साइज है 11x4.5 इंचेस और ये देखिए उसका साइज आ गया। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि अपने इस फॉर्म को थोड़ा सा एंटर करके नीचे लाना है और टैब दबा दबा के थोड़ा सा लास्ट में ले जाना है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप आराम से कर लेंगे। तो ये देखिए बस इस एड्रेस को मैंने सेट कर दिया, एक एनवेलप बना लीजिए, बाकियों को सेट करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला।
तो हर एक का एक फॉर्मेट बना के सेव कर लीजिए, जो जो आपको प्रिंट करने हो, और बस आराम से प्रिंट करते जाइए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया और ये दूसरा बड़े वाले पर एड्रेस सेट हो गया। आप चाहें तो इसका फाइल में जाकर के प्रिंट प्रीव्यू से प्रीव्यू भी देख सकते हैं, आपको कैसा प्रिंट होगा इसका पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रिंट करने से पहले किसी प्लेन पेपर पर प्रिंट करके देख लीजिए, भले वो A4 साइज का पेपर हो, उसमें प्रिंट करके देख लीजिए। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका जो प्रिंट आउट है वो सही आ रहा है या फिर नहीं। तो यहां हमारा पूरा काम हो गया है। इसके बाद आपको कंट्रोल P दबाना है। तो पहले हम छोटा वाला लेंगे और प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फाइल पर आना है और फाइल पर जाने के बाद आपको प्रिंट कर देना है, और प्रिंट करने के बाद आपको आपके प्रिंटर को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पर वही साइज सेलेक्ट करना है जो आपके एनवेलप का साइज है। अगर आपको वो साइज यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कस्टम में आइए और यहाँ पर आकर के आपने जो भी एनवेलप है उसका साइज सेट कर लिया। तो इसकी विड्थ जो थी वो 4 इंचेस थी और हाइट जो थी वो 9 इंचेस थी। इसको ओके कर दीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसको ओके कर दीजिए। और अब आपको देखना है कि प्रिंटर में जो एनवेलप है वो किस तरह से डालेंगे। तो प्रिंटर पर पेपर देने से पहले इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे देंगे। जो इसका ओपन एरिया है उसको नीचे के साइड रखेंगे और इसको पलट के यहाँ पर प्रिंटर पर इसको रख देंगे, और दोनों तरफ से कैसेट को अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये पेपर इधर उधर ना हो जाए। और उसके बाद कमांड दे दीजिए प्रिंट की, और अब हमारा एनवेलप जो है वो प्रिंटिंग के लिए रेडी है। देखिए प्रिंटर ने एनवेलप ले लिया है, और कितने आराम से कितनी जल्दी ये एनवेलप प्रिंट होकर के आपके सामने आ चुका है। अभी मैं इसको डिटेल में आपको दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले बड़ा वाला एनवेलप भी प्रिंट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको बड़ा वाला एनवेलप भी प्रिंट करना है, जो कि हमने EV2 नाम से सेव किया था। प्रिंट प्रीव्यू में जाइए और प्रिंट कमांड दे दीजिए, और इस एनवेलप को भी आपको इस तरह से ही प्रिंट करना है। जो इसका ओपन एरिया है उसको नीचे साइड रखिएगा और पलट दीजिए, और देखिए ये ओपन एरिया, इसको नीचे रख के दे दीजिए। थोड़ा सा कैसेट हमें चौड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि इसका साइज जो है वो बड़ा है, और बस इसको इसमें फिट कर दीजिए और कैसेट को भी टाइट कर दीजिए, और बस प्रिंट कमांड देने के बाद अब ये एनवेलप भी प्रिंटिंग के लिए रेडी है। और देखिए इस एनवेलप को भी प्रिंटर ने कितनी आसानी से ले लिया है और ये प्रिंट होकर के हमारे सामने आ चुका है। तो ये देखिए दोनों ही एनवेलप आपके सामने प्रिंट होकर के आ चुके हैं, और ये कितने अच्छे तरीके से प्रिंट हुए हैं आप देख सकते हैं। ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। ये देखिए कितनी आसानी से आपने एनवेलप को प्रिंट कर लिया, और बिल्कुल जहां पर जो चीज प्रिंट होनी चाहिए वहीं पर है। आप इसको पलट के देखिए, ये यहां पर इतना मार्जिन भी छोटा हुआ है ताकि कोई अगर इसको फाड़े तो इतनी जगह बची रह जाए और एड्रेस आपका सेव रहे। और ये देखिए ये वाला भी प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों देखा आपने MS Word सॉफ्टवेयर की मदद से 2 से 3 स्टेप फॉलो करके आप कितनी आसानी से एनवेलप अपने घर पर या अपने ऑफिस पर खुद से प्रिंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया है। और अगर इस पूरे प्रोसेस में मन में कोई क्वेश्चन आया हो, कोई क्वेरी आई हो, तो कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि और लोगों के भी ये वीडियो काम आ सकता है, तो उनका भी भला करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।